पात्रा थे, उसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी थी। लेकिन इस बहस को एक अलग दिशा देने के लिए जरूरी है कि हम उन मुद्दों की बात करें जो इस सब प्रक्रिया के मूल में है। इस प्रक्रिया के मूल में लोकतंत्र है और इस प्रक्रिया के मूल में चुनाव है। और दरअसल जब हम बात करते हैं तो हमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तो दिखाई देती है, लेकिन जो आत्मा है इस पूरी जमहूरियत की, इस लोकतंत्र की आत्मा है, वो चुनाव है। और उन चुनाव सुधारों को लेकर जो लगातार बात करते रहे, उसके झंडा बरदार हैं अरुण गुट्टू जी, जो खुद डीजी लोकायुक्त रहे और प्रशासनिक पद पर रहने के बाद भी उन्होंने लगातार वहां भी काम किया और उसके बाद भी आवाज उठाते रहे। आज जो हमको ये लोग अपना नामांकन भरते हैं उम्मीदवार, उसमें बहुत सारी जो सूचनाएं मिलती हैं वो भी इसी तरह के प्रयासों का नतीजा है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं रमेश शर्मा जी, वो भी हमारे साथ हैं। हमें बात ये करनी है, दरअसल पहला सवाल इसी से जो पिछले दो सत्रों की उपज है, कि अरुण जी और रमेश जी आप ये बताइए कि ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, माता जी, बहन जी, मौत के सौदागर वाले विमर्श से ये देश और इसका चुनाव, उन मुद्दों को जो जनता को सीधे प्रभावित करते हैं, वहां कैसे पहुंच पाएगा? देखिए, आम जनता ये महसूस कर रही है कि जैसा कि आपने स्वयं महसूस किया और कहा कि जो असली मुद्दे होते हैं उनसे हट के और चुनाव में किस तरह से इमोशनल इश्यूज को आगे लाके और वोट लिए जाएं या कुछ रियायतें दे के वोट लिए जाएं, ये सब हो रहा है। और संवाद में भी अपन देखते हैं कि बहुत स्तर जो है राजनीति का, एक जनता, हर एक आदमी महसूस कर रहा है कि जिस तरह के एक दूसरे के प्रति एलिगेशन लगाए जाते हैं और बातें करी जाती हैं, तो स्तर जो है वो गिर गया है और जो असली मुद्दे हैं वो हट जाते हैं। और इस तरह से मैं सोचता हूँ कि दो नुकसान हो रहे हैं। एक तो प्रजातांत्रिक मूल्यों का जो आने चाहिए ऊपर, और जो असलियत ऊपर आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। और एक तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये रोल भी रहता है कि वो जनता को एजुकेट करें, जनता को के सामने ऐसी चीज़ें लाएं जो पॉलिसीज़ की बात करें, जो इस तरह के संवाद के अंदर या इमोशनल इश्यूज में डाल के और जनता को भ्रमित ना करें। पर ऐसा हो नहीं रहा। ये जनता का आम आदमी, और मैं सोचता हूँ कि आप में भी सब, आप लोगों में से भी सब जो है वो ऐसा महसूस कर रहे हैं और काफ़ी समय से कर रहे हैं। गुड्डू साहब, मैं इसमें जानना चाह रहा हूँ, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पॉलिटिकल पार्टीज या हमारा मतदाता जो निराश है, उदास है और अपनी प्रतिक्रिया इन सब चीज़ों पर व्यक्त नहीं करता? देखिए, मैं सोचता हूँ कि इसके लिए जनता जो है वो ज़्यादा जिम्मेदार है। पॉलिटिक्स के लिए कहा जाता है कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ कमिंग टू पावर एंड देन इंश्योरिंग दैट दे रिमेन इन पावर। मतलब राजनीति तो चीज़ ही ऐसी है कि जिसमें ये कहा जाता है कि भाई ताकत कैसे पाई जाए, सत्ता कैसे पाई जाए और फिर दोबारा उसको बना के कैसे रखा जाए। और शायद ये एक और सवाल उठता है कि शायद हमारा प्रजातंत्र जो है वो एक चुनाव तक सीमित है और हमारा प्रजातांत्रिक मूल्य जो हैं वो अभी तक जनता के जो जहन के अंदर नहीं बैठे हैं, या यूं कह दीजिए कि हमारा प्रजातंत्र अभी बहुत यंग है। तो जिस तरह का जनता के अंदर रिएक्शन होना चाहिए इन सब बातों के लिए, कि वो चीज़ नहीं होती है। आपको ताज्जुब होगा कि एक अपराधी जिसने कि 7-8 मर्डर कर रखे हैं और वो जेल में है, वो चुनाव जीत जाता है। जी, उदाहरण है, चूंकि अरुण जी ने जिक्र किया तो हमने इस देश ने देखा है कि मधु दंडवते तो चुनाव हारते हैं लेकिन शहाबुद्दीन जेल में बैठे बैठे चुनाव इस देश में जीत जाते हैं, फुलन देवी भी चुनाव जीती हैं। हाँ, तो अब इसके लिए किसको जिम्मेदार कहेंगे? अल्टीमेटली इलेक्शंस के अंदर या प्रजातांत्रिक जो प्रक्रिया है उसके लिए जिम्मेदार वोटर ही होता है। आता है रोल प्रेस का, मीडिया का और पॉलिटिकल पार्टीज की भी जिम्मेदारी होती है कि अपने सत्ता में आने का ज़रूर प्रयास करें, पर जनता को जो एजुकेट करने की बात होती है उसके ऊपर भी जोर दें। रमेश जी, रमेश शर्मा साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि जो सुगुफा बीच बीच में चलता रहता है,
वन नेशन वन इलेक्शन, अगर ये लागू हो जाए एक देश एक चुनाव, तो क्या इन तमाम जो बुराइयां हैं जो हमको दिखाई दे रही हैं इनसे मुक्ति मिलने का कुछ आसार बनेगा? कुछ एक चुनाव सुधार की दिशा में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है एक देश एक चुनाव? स्वाभाविक रूप से ये जो आप कह रहे हैं, अगर वन नेशन वन इलेक्शन ये सिद्धांत लागू होता है तो इससे देश की बहुत सी समस्याएं दूर होंगी, खर्चा इसमें कम होगा और सरकारें जनता के काम ज़्यादा कर सकेंगी। लेकिन भारत जैसे देश में इसमें एक व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, यहाँ दल बदल के आधार पर सरकारें बदलती हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर दो राजनीतिक दल हों और वो अपनी सरकारें चलाएं, वहाँ तक तो ठीक आता है, लेकिन जहाँ संयुक्त मोर्चे की सरकार हैं, 7 दल 8 दल मिलकर के सरकार चलाते हैं, कौन सा दल कब किसको पीछे हट जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। लिहाजा व्यवहारिक तरीके से ये भारत के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन अगर किसी तरीके से कुछ ऐसा नियम बन जाए कि अगर सरकार गिरती है तो केवल राष्ट्रपति शासन ही चले, क्योंकि राष्ट्रपति शासन की अभी आयु केवल 6 महीने की होती है, उसके बाद आपको चुनाव के लिए जाना ही है, या दोबारा फिर राष्ट्रपति शासन बढ़ने के लिए राष्ट्रपति से अनुमति लगती है, या तो फिर इसमें कानून में संशोधन हो, तब ये हो पाएगा। लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन का सिद्धांत आता है तो मैं समझता हूँ देश के हित में होगा ये। अरुण जी, क्रिमिनल्स के चुनाव लड़ने को लेकर आपने काफी काम किया है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट भी इस निर्णय से पीछे हट गई और उन्होंने राजनीतिक दलों पर छोड़ दिया, तो आखिर आपराधिक छवि के लोगों को टिकट मिलते ही क्यों हैं? मिल जाते हैं तो वो जीतते क्यों हैं? अभी हम मध्य प्रदेश का ही ताजा चुनाव देखें तो हम लगातार, मैं फहरिस्त देखने की कोशिश कर रहा था, बहुत सारे उम्मीदवार हैं जिस पर उन पर हत्या से लेके बलात्कार से लेके धोखाधड़ी 400 बीसी तक के तमाम तरह के मामले दर्ज हैं। अब यह है कि मकाम तक नहीं पहुंचे, उनको सजा नहीं हुई है, सिर्फ इस वजह से वो निर्दोष मानकर और उस आपराधिक छवि के साथ साथ चुनाव भी लड़ जाते हैं और जीत भी जाते हैं। आपने सही कहा, और वास्तव में ऐसे पृष्ठभूमि के जो कैंडिडेट्स हैं उनको खड़ा ही नहीं होने देना चाहिए, इसीलिए बात इलेक्शन रिफॉर्म्स की भी बहुत इसी से कनेक्टेड है। पर अभी हमारी बदकिस्मती कहिए या सुप्रीम कोर्ट ऐसे पीछे हट गया, जैसे आपने कहा कि उन्होंने कहा कि जब तक कन्विक्ट नहीं हो जाता तब तक वो ये नहीं माना जाएगा कि उससे सजा हो गई है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि हम लोग सरकारी कर्मचारी रहे हैं और एक छोटा सा कर्मचारी भी अगर उसके खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज हो जाता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। वो तो बहुत छोटी सी जिम्मेदारी निभा रहा है, पर ये लोग तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं और उसके बावजूद इतना सब होने पे इन्हें चुनाव की प्रक्रिया के अंदर शामिल कर लिया जाता है। ये संभवतः इलेक्शन रिफॉर्म्स की बहुत सख्त ज़रूरत है। और आप ताजुब करेंगे कि फिर इसके बाद ऐसा ही नहीं होता कि वो चुन लिया जाता है, कास्ट फैक्टर लिया जाता है, रिलीजियस फैक्टर लिया जाता है, इन सब के आधार पे वो अगर मंत्री बन जाता है, तो ये मेरा स्वयं का तजुर्बा भी है कि मंत्री बन जाता है तो उसको फाइल के बारे में पढ़ना लिखना और उसके ऊपर निर्णय लेना कैसे, इसमें भी कठिनाई होती है। तो गवर्नेंस की अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि आज के MLA अगर चुना जाता है तो वो एक पूरे प्रांत के लिए होता है, पर आप विश्वास नहीं करेंगे कि कोई प्रांत के बारे में नहीं सोचता है, उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी और अपना गाँव और इसके अंदर कुआं खुदवा दिया, उसके अंदर हमने सड़क बनवा दी, इसी के ऊपर हो जाता है। क्योंकि जब लेजिस्लेशन जो का जो बात आती है तो आप देखेंगे कि डिबेट्स में जो हम लोगों की संस्था है उसने इसको एनालाइज किया कि डिबेट्स के लिए जो टाइम रखा जाता है सत्र का, जैसे 10 दिन रखा गया तो 7 दिन में ख़त्म हो गया। प्रश्न किसने पूछे, कितने पूछे, तो पता पड़ा कि कोई किसी ने कोई प्रश्न ज़्यादा पूछे नहीं और प्रक्रिया ऐसे ही ख़त्म हो गई। तो वो जो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है वो वास्तव में एक्चुअली हो ही नहीं रही है। चुने जाने से लेकर चुनावों के दौरान से लेकर और चुन के आने के बाद भी विधानसभाओं में और हमारी लोकसभा में भी उस तरह की बहस नहीं हो रही है। रमेश जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एक जरूर प्रभाव चुनावों पर देखने को मिल रहा है लगातार, वो ये है कि आचार संहिता शब्द भी पहले सुनाई नहीं देता था देश के चुनावों में जो हमने पिछले कई सालों के देखे, और उसके बाद लगातार
टीएन शेषन नाम के एक मुख्य चुनाव आयुक्त हुए और उसके बाद से कम चुनाव आयोग की एक जो सत्ता है वो स्थापित हुई, उनका जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। हालांकि उसके बावजूद भी जो खर्चे की सीमा तय होती है उससे ज्यादा खर्च होता है, दिखाया कुछ जाता है जमीन पे, फिर भी हम ये मानेंगे कि मैंने मेरे बचपन में जो चुनाव देखे उसमें जिस तरह का प्रचार, जिस तरह का खर्च दिखाई देता था सामने, जितने पोस्टर बैनर झंडे दिखते थे वो नहीं, और अखबारों में भी विज्ञापन और उसका हिसाब कम से कम कुछ उस स्तर पर सुधारा है। लेकिन क्या यह तरीका है, इसको और क्या बदलाव किया जा सकता है? आचार संहिता में अभी भी कई हमको दिक्कतें दिखाई देती है कि आपने यहां पर लगा दी, जैसे यहां चुनाव प्रचार का शोर अगर कल थम जाएगा मध्य प्रदेश में, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों से अन्य सारे नेता, प्रधानमंत्री से लेके विपक्ष के भी सारे नेता या दूसरे लोग भी जो बोलेंगे, आखिर वो मतदाता को प्रभावित तो करते हैं। दूसरा, आचार संहिता लागू हो जाने के बाद भी घोषणाएं होती हैं, यहीं पर आप देख लिए कि जो संविदा कर्मियों को लेकर जिस तरह की आचार संहिता लगने के बावजूद राजनीतिक दलों ने कदम उठाए, एक ने कहा कि हम तुमको दे देंगे नौकरी, परमानेंट करेंगे, तो तुरंत उनको लेकर भी बात सत्ता पक्ष ने भी जवाब दे, क्या ये भी आचार संहिता के दायरे में नहीं आना चाहिए? देखिए, मोटे तौर पर ये बात आप ठीक कर रहे हैं, ये सारी बातें आचार संहिता के दायरे में आती हैं, लेकिन इसमें कभी सुधार नहीं हो सकता। उसका कारण यह है कि अपराध हमेशा आगे चलता है और उसको रोकने के और बचाव के उपाय हमेशा एक कदम पीछे चलते हैं। पहले अपराधी एक रास्ता निकालता है, फिर बचाव के लिए कानून बनता है। आचार संहिता में भी उल्लंघन के जो मार्ग बनते हैं, जो मार्ग हमको आज दिख रहे हैं आचार संहिता में उल्लंघन के, अगर इनमें संशोधन करके कुछ रास्ता बन भी जाएगा तो जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो कोई नया रास्ता बना लेंगे। तो इसमें कभी भी कोई सुधार नहीं हो सकता, एक बात। दूसरा, जहां तक आपने पूछा कि आचार संहिता या चुनाव प्रचार के दौरान की घोषणाएं, मुझे नहीं लगता कि चुनाव प्रचार के दौरान या चुनाव होने की तारीख होने के बाद या दो चार महीने पहले की घोषणा से मतदाता को कोई प्रभाव पड़ता होगा। आप अगर इस समय भी देखें, लगभग मतदाता का मन बना हुआ है, उसको किसको वोट देना है और किसको हराना है, किसको जिताना है, ये लगभग लगभग सबका तय है। केवल इतना है, उसको मतदान की तिथि का इंतजार है। ये सारी घोषणाएं केवल अखबार में सुर्खियां आती हैं, मन के तसल्ली की बात है। मध्य प्रदेश में किसको जिताना है ये मतदाता का लगभग तय है, ये हमारे पास नहीं है। वो 28 तारीख को वोट करेगा, 11 तारीख को उसका रिजल्ट होगा। तो मोटे तौर पर ये सारी की घोषणाएं, मैं समझता हूँ राजनीतिक दलों को बचना भी चाहिए, क्योंकि उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला उस पर। लेकिन फिर भी राजनीतिक दलों को लगता है कि हर कदम पर कोई नई बात को कहना, तो वो उस बात को कहते हैं, हर कदम पर कोई नई चीज कहना। इसी तरीके से जो थोड़ी देर पहले हमारे दोनों साथियों से हम लोगों ने बातचीत की, उनके दोनों के बयानों में दो बातें बहुत स्पष्ट हुई कि उनसे जो सवाल पूछे गए उन्होंने अपने दल की बात कम कही और दूसरे दल पर आरोप ज्यादा लगाए। भाजपा के प्रवक्ता ने भी यही किया और कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी किया। उन्होंने बड़ी तरकीब से सारी बात दूसरे सवालों को टाल भी रहे थे, थोड़ा चिढ़ भी रहे थे और जवाबों को घुमा रहे थे निश्चित रूप से। तो ये जो बात है, तो जब तक राजनीतिक दलों को ये एहसास नहीं होगा कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करना, जब तक देश में ये वातावरण नहीं बनेगा कि राष्ट्र के हित, समाज के हित, राजनीतिक हितों से बेहतर है, ऊपर है, तब तक मैं नहीं समझता कि भारत में कुछ सुधार का वातावरण बनेगा। मेरा सवाल अरुण जी आपसे, जो राजनीतिक भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है वो जो आय है, जो व्यय की राशि है, 28 लाख अभी कर दी है, पहले और भी कम थी, यहाँ से शुरू होती है। कोई भी उम्मीदवार 28 लाख रुपए में चुनाव लड़ नहीं सकता, पार्षद का चुनाव ही नहीं लड़ सकते आप इतनी कम राशि में। जाहिर है करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन बताए जाते हैं 2.5 लाख, 3 लाख, 65,000, 70,000। बेईमानी की शुरुआत यहाँ से होती है, क्योंकि जितना पैसा उसने चुनाव में लगा दिया होता है वो सब उसको बाद में निकालना होता है। तो क्या भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए जरूरी नहीं है, ये नहीं होना चाहिए कि जो चुनाव का खर्चा है वो सरकार उठाए और सारे चुनाव जो है सरकारी व्यय पर हों, उम्मीदवार को कुछ भी पैसा खर्च ना करना पड़े, और यदि वो कोई भी पैसा खर्च करता है तो तत्काल उसका जो नामांकन पत्र है वो रद्द हो जाए। अगर ये चुनाव की तरीका हो तो क्या हम ईमानदार नेतृत्व को ला सकते हैं? क्योंकि अभी जो पैसे की राशि है इसमें गरीब आदमी या मध्यम वर्गीय आदमी तो चुनाव लड़ नहीं सकता, लड़ते वही हैं जिनके पास काला धन होता है। तो क्या राजनीतिक रिफॉर्म्स के लिए, इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए जरूरी नहीं है कि सरकारी व्यय पर चुनाव हो? देखिए, इलेक्शन रिफॉर्म्स के अंदर ये बात आती है और इसके ऊपर काफ़ी चर्चा भी हुई है कि अगर सरकार ये खर्चा करे तो क्या ये सब प्रक्रिया और ये जो विशेष सर्कल जिसको चक्र करप्शन का है ये टूट सकता है। इसके अंदर दो मत रहे हैं कि शायद सरकारी खर्चा भी कर लेंगे, ले लेंगे और फिर अपना खर्चा करके और फिर वो जीत जाएंगे, ऐसा लोगों का। पर
ऐसी फीलिंग है कि शायद ये जो सरकारी खर्चे वाला है जो कई देशों में है, ये आज जो प्रक्रिया जो लागू है उससे शायद बेहतर है। पर फिर वही बात आती है कि जो लोग पॉलिटिकल पावर में हैं क्या वो इससे सहमत हैं और क्या वो इसको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, या वो ये चाहते हैं कि नहीं ये भ्रष्टाचार बना रहे। अब आप ताज्जुब करेंगे कि अभी हम लोगों ने जो आंकड़े देखे तो जिन्होंने पहले पिछले सत्र में भी वो एमएलए थे और अभी फिर चुनाव लड़ा है, तो पिछले सत्र में जब वो एमएलए बनने से पहले उन्होंने एफिडेविट दिया था और अभी एफिडेविट दिया है। अब अभी 5 सालों के अंदर ऐसे लोगों का जब विश्लेषण किया हम लोगों ने तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि सब करोड़पति हो गए। मतलब अगर जिनका 3 करोड़ था तो 8 करोड़ हो गया, तो 5 साल के अंदर 5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा। 217% का इंक्रीजमेंट है, 217% का इंक्रीजमेंट, एक मंत्री की आय में 217% बढ़ी है। जी हाँ, 1000% का है। तो ये इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट, इन सब की प्रक्रिया है जिसको बड़ी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। पर मैं सोचता हूँ कि अभी शायद वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी हम लोगों में नहीं आई है, और देश को जैसे कहा कि देश को आगे रख के, और नहीं हो रहा है अभी पॉलिटिकल। आपने देखा होगा कि जब इन लोग एमएलए एमपीज के भत्ते वेतन ये बढ़ाने की बात आती है तो पूरे के पूरे अक्रॉस द स्पेक्ट्रम सब सहमत हो जाते हैं, उसके अंदर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। तो ये मैच्योरिटी शायद अभी नहीं आई है, और मैं फिर वही कहूँगा कि अभी हमारी डेमोक्रेसी देखा जाए तो बहुत यंग है। अभी इसमें बहुत कुछ नौजवान। एक आंकड़ा बीच में दे दूं, चूंकि बात करोड़पति उम्मीदवारों की हुई तो केवल मध्यप्रदेश की बात करें तो 115 के जो चुने हुए विधायक हैं वो करोड़पति हैं, कांग्रेस के 40, बसपा के 1 और अन्य जो हैं वो 2। तो 115 जो पहले नहीं थे और फिर सूची में आ गए। और इसी तरह हम ये अपराध वाली बात जो कर रहे थे, क्रिमिनल केसेस वाले जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है 45, कांग्रेस के 22, बसपा के 1 और अन्य के 2, ये आंकड़ा है। और उसके बाद हम चुनाव सुधारों की बात कर रहे हैं, तो अरुण जी ने जैसे चूंकि कहा कि ये इसमें बड़ा दोष जनता का है, वोटरों का है, ऐसा उन्होंने माना है, तो जनता भी सामने बैठी है, उनके भी सवाल हम शुरू कर देते हैं। नौजवान है, हाँ उनसे पूछते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि अच्छे नौजवान है। इस बीच मैं एक अपना घटना सुना दूं। अभी मैं गुजरात घूमने गया था तो जब मध्य प्रदेश में एंटर हुआ और थोड़ा आगे आया, सॉरी फॉर द इंटरप्शन बेटा, तो यही देखने सुनने के लिए कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पर। तो एक चाय वाले के वहाँ हम रुके और चाय पीने लगे, तो जो छोटे से में उसने कहा कि देखिए साहब, हम तो सालों से वोट देते आ रहे हैं और हम तो वैसे के वैसे ही हैं, पर यहाँ के विधायक जो हैं और उनके बेटे वो दोनों करोड़पति हो गए। सर मैं महिला की तरफ से एक क्वेश्चन रख रही हूँ कि देखिए आपने जनता की बात कर दी कि सारा कुछ अभी यंग है, यूथ को आप लोग ने कितना शामिल किया अपने चुनाव में ये तो अभी तक क्लियर नहीं है। आप जब वोट और आरक्षण या किसी की भी बात करते हैं तो सर आप लोग महिलाओं को फिर पीछे क्यों कर देते हैं? एक मिनट आगे कर रहे हैं कंटिन्यू। अब बात हो रही है करोड़ों के रुपए, स्वच्छता अभियान हो चाहे महिलाओं की बात हो चाहे कोई भी बात हो, उसके लिए चुनाव आयोग क्या करता है? क्या कोई ऐसी चीजें निकाल के लाता है जिसको कि अलग अलग डिवाइड किया जाए? अभी मैच्योरिटी की बात हो रही है तो सर ये हमारा यंग नहीं है, ये बहुत पुराना संविधान के हिसाब से देखा जाए तो है, पर चूंकि कोई ऐसी कोई चीज प्लान होके नहीं होती है जो कि बार बार इतने करोड़ रुपए खर्च होने के बाद, इसमें मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है सर, मीडिया उसको बाहर क्यों नहीं लाता है, मेरा क्वेश्चन है। देखिए नहीं, मोटे तौर पर मीडिया समय समय पर ये बात लाता है, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं भारत के नागरिकों में या मतदाता के अंदर एक राष्ट्रीय चरित्र की भी बहुत आवश्यकता है। आप अगर इस बात को देखिए जो थोड़ी देर पहले इन्होंने सवाल पूछा था कि अगर सरकार चुनाव कराए तो भ्रष्टाचार कम होगा क्या, कई बार हमको देखने में लगता है कि आचार संहिता का उल्लंघन कम होगा और कम पैसा खर्च होगा, लेकिन प्रशासन तंत्र के बीच में क्या भ्रष्टाचार कम है क्या? चूँकि प्रशासन तंत्र के भीतर भ्रष्टाचार है,
क्योंकि सामान्य नागरिकों के अंदर एक कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय चरित्र का बोध आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी समय में परिवर्तन आ रहा है, धीरे धीरे युवाओं की बात हो रही है। आप अगर पिछले 3 चुनावों से देखेंगे हर राजनीतिक दल के एजेंडे में युवाओं की नौकरी की बात आ रही है, ये अलग बात। इससे पहले 3 चुनावों से पहले युवाओं के या महिलाओं का अलग से कोई चीज़ नहीं आती थी कि महिलाओं के लिए कुछ अलग से योजना बनेगी या युवाओं के लिए रोजगार की बात होगी, पिछले 3 बार से आ रही है। इसका अर्थ है कि राजनीतिक दलों में और सरकार में इस बात की चिंता हो रही है। बहुत संभव है कि इसको क्रियान्वयन में लेने में कुछ वर्ष और लगेंगे, लेकिन अब बहुत दिनों तक कोई भी दल युवाओं को और महिलाओं को अनदेखा करके अपनी सरकार में लंबा रह नहीं पाएगा। अगला सवाल को आप मानेंगे कि चेंज आ रहा है, ये मैं आपसे बहुत सहमत हूँ कि यंगर जनरेशन जो है वो ज़्यादा एक्टिव है, और जिसे को कहते हैं सिविल सोसाइटी, इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर एक्टिव और जागृत जिसके, और वही चेंज का आधार है। हमारा आपसे क्वेश्चन है गुड्डू जी, आप तो एक पुलिस ऑफिसर थे और आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा स्पष्ट गाइडलाइन दिया उस पर कि यदि क्रिमिनल प्रवृत्ति का कोई भी व्यक्ति हो तो उसको तत्काल बाउंड करना चाहिए कि वो चुनाव न लड़ पाए, लेकिन बाद में उसने ये भी कहा कि यदि उसने सजा पड़ी नहीं पड़ी, क्या चुनाव आयोग और प्रशासन ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं जारी कर सकता कि जिसका समाज में भ्रष्टाचार में उसका बोलबाला है और धन संग्रह के लिए चुनाव लड़ा जाता है? सुचिता की राजनीति अब नहीं बची, राजनीति क्या करप्शन की राजनीति है और ऐसे लोगों को चुनना चाहिए? इसका क्या मापदंड है, इसका सुचिता का क्या मापदंड होना चाहिए? देखिए, धन और बल ये देख रहे हैं हम के चुनाव के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहे हैं, जो कि आम तौर पे नहीं करने चाहिए। उसके लिए कई सुझाव हैं, और मेरा अपना विचार ये है कि इलेक्शन कमीशन बहुत पावरफुल संस्था है, सुप्रीम कोर्ट तो खैर है ही, पर या तो वो राजनीतिक दबाव में और या कमज़ोर हैं, वो अपने आप को समझते हैं, वो जो कुछ कर सकते हैं वो भी नहीं कर रहे। आपने देखा होगा कि पता नहीं आपको याद हो नहीं याद हो, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सेशन करके, उस जमाने के अंदर हम पुलिस वालों ने ये महसूस किया कि इतने आसान हो गए इलेक्शन, उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट किया कि कहीं पर कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, और कैंडिडेट्स बाकायदा मतलब प्रक्रिया जो आपकी जो आचार संहिता वगैरह को इसको फॉलो कर रहे हैं। तो दो हम अलग अलग चीज़ें देखते हैं, तो ये तो बिल्कुल महसूस होता है कि देखिए इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन बहुत पावरफुल संस्था हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, पर पता नहीं क्यों वो लोग इस चीज़ को देख नहीं रहे। मेरा सवाल रमेश शर्मा जी आपसे, डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि भारत में जाति को अनदेखा नहीं किया जा सकता, और जो चुनाव हमारी जो चुनाव में जो दुर्बलताएं हैं, हमारे लोकतंत्र की जो अपरिपक्वता है, उसमें सबसे बड़ा कारण है हमारा जातिवाद। सारी पार्टियां जाति के आधार पर वोट टिकट देती हैं और अधिसंख्य मतदाता जाति के आधार पर वोट करते हैं। जब तक देश में जातिवाद रहेगा तब तक क्या हमारी डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र परिपक्व हो पाएगा? एक मेरा थोड़ा सा श्रोताओं से निवेदन है, बहुत गंभीर चर्चा है हमारे और आपके लोकतंत्र और भविष्य से, थोड़ा सा आप शांति बनाए रखिए, आपसी बातचीत को थोड़ी देर के लिए विराम दे दें, या जो बहुत जरूरी बात करना ही चाहते हो तो सभागृह के बाहर जाकर कर वापिस आ जाएं। लेकिन कृपया ये अमर उजाला और DNN का जो संवाद का मंच है, यहाँ पर राजनीति के साथ चुनाव सुधार की भी बात इसलिए हो रही कि हम गंभीर पत्रकारिता को भी बढ़ाना चाहते हैं इसी के माध्यम से। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, जातिवाद न केवल राजनीति को उसने खराब कमजोर किया है बल्कि देश को भी कमजोर किया है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जातिवाद को मजबूत, भारत के जींस में जातिवाद मजबूत नहीं है, इसको अंग्रेजों ने मजबूत किया था। ये कानून वो बना के गए थे कि आप नाम बदल लें, प्लास्टिक सर्जरी करा करके आप रूप बदल लें, आप काम बदल लें, चेहरा बदल लें, यहाँ तक कि धर्म बदल लें, उसके बाद भी आपकी जाति नहीं बदली जाएगी। ये कठोर कानून अंग्रेज बना के गए थे, उसके पीछे वो जानते थे कि डिवाइड एंड रूल, वो जानते थे कि देश को अगर तोड़ा जा सकता है तो जातियों के आधार पर तोड़ा जा सकता है। भारत में जो जातियाँ हुआ करती थी वो जन्म के आधार पर नहीं थी, भारत में जो जातियाँ हुआ करती थी वो गुण और कर्म के आधार पर थी। आपको कल्पना है जिस व्यास ऋषि के नाम पर पीठ बनती है वो मछुआरिन का बेटा है,
जावाले ऋषि के तो पिता तक का पता नहीं है, सृंगी ऋषि एक दासी का बेटा है, तो जितने हमारे यहाँ हैं वाल्मीकि चांडाल रहे हैं, वहां से ऋषि बने हैं। ये जो हमारे यहाँ परंपरा थी वो गुण और कर्म के आधार पर परंपरा थी। ये ठीक उसी प्रकार है कि एक बच्चा आज IAS है, कल को वो IPS भी हो सकता है, फिर वो इंजीनियरिंग की सेवा में भी जा सकता है। हमारे यहाँ परिवर्तनशील था, लेकिन 1936 में जो अंग्रेजों ने कानून बनाया उस आधार पर आज़ादी के बाद हमने उसमें बिल्कुल सुधार नहीं किया। स्वाभाविक रूप से अगर हमको देश को मजबूत करना है, राजनीति को पुख्ता करना है, तो इस जाति के झंझट से ऊपर उठना ही पड़ेगा, तभी राष्ट्र और राजनीति दोनों मजबूत होगी। बहुत धन्यवाद अरुण मोटू आपका, बहुत धन्यवाद रमेश शर्मा जी आपका, चूंकि समय हमें इसकी इजाजत नहीं दे रहा। और डॉक्टर रमेश शर्मा ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर देश को मजबूत बनाना है तो जाति को पीछे छोड़ना होगा। हमारा यह कार्यक्रम जारी रहेगा, सत्र जारी रहेंगे, इसके बाद किसी नए विषय पर नए मेहमान के साथ हम फिर से आपसे रूबरू होंगे। देखते रहिए अमर उजाला और DNN का यह संयुक्त उपक्रम। मित्रों, हमारे अगले सत्र बहुत ही तूफानी और बड़े ही धुआंधार सत्र होने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद जो है वो गैर कांग्रेस गैर भाजपा धारा के कुछ लोगों के बीच चर्चा होगी। उसके बाद हमारे बीच में आचार्य प्रमोद कृष्णम आ चुके हैं, जिनके बारे में आप लोग जानते हैं कि जब वो बोलते हैं तो जिस तरह का एक माहौल बनता है। इसके अलावा प्रभात झा आने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता शोभा ओझा आने वाली हैं। तो अभी आप लोग बिल्कुल थोड़ा सा जो अभी संबित पात्रा जी कहेगा ना सब्र सबूरी, तो सब्र रखते हुए आप हमारा साथ दें, और उसके बाद बढ़िया कार्यक्रम के बाद आपके लिए बढ़िया व्यंजनों का इंतजाम है, वो भी उसका भी आनंद उठाएं। तो मैं उम्मीद के साथ कि संबित जी की सलाह को मानते हुए थोड़ा सब्र आप लोग बरकरार रखेंगे। तो बिल्कुल इसी के साथ तीसरे सत्र का समापन